पिछोर के छत्रसाल स्टेडियम में पांचवें दिन जया किशोरी जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला की कथा सुनाई। रूप सिंह परिहार द्वारा पिछोर के छत्रसाल स्टेडियम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया गया। पांचवें दिन श्रीमद् भागवत कथा शुरू की गई। किशोरी जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला की कथा भक्तों को सुनाई गई। कथा का रसपान करते हुए दूर दराज से भक्त छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जया किशोरी के मुखारविंद से कथा कही गई। इस कथा में पिछोर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह कंकाजू एवं भाजपा के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जसवंत जाटव पहुंचे और पूरे समय तक कथा का रसपान किया। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जया किशोरी जी की कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कथावाचक जया किशोरी जी के भजनों पर भक्तगण झूमे, बच्चे सभी लोग नाचे। इस तरह से पांचवें दिन भक्तों की भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिली। आयोजक रूप सिंह परिहार द्वारा भक्तों को बैठने की अच्छी व्यवस्था कराई गई। कथा के अंत में पिछोर विधायक केपी सिंह कग्गाजू एवं पत्रकार गण श्रीमद् भागवत कथा पुराण की आरती में शामिल हुए। संवाददाता सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। और उनको वही बात इतनी प्यारी लग रही है कि उनकी बस कोई हरकत नहीं है रोड में। अच्छा नहीं सब घर प्यार कर लिया इतनी प्यारी हरकत कर। अब यहाँ पर एक दिन भगवान कह रहे हैं कि भैया अब मैं बड़ा हो गया, मैं दुनिया चलाने जा रहा हूँ। पहले दुनिया चलाना मतलब ऑफिस जाना था, कोई काम था, कोई काम सोचते थे भैयाओं को करा लिया, सुबह जाते थे शाम को आते थे, पहले तो ऑफिस ही था। तो भगवान कहते अब मैं बड़ा हो गया और बच्चों को ऐसे भी बड़े होने का बहुत शौक होता है। हर छोटा बच्चा चाहता है कि वो गलत से बड़ा हो जाए या फिर उनको जिम्मेदारी के काम दिया जाए। हर बच्चा उसको बहुत शौक है, बड़े होने के बाद उसको समझ आता है गलती सोचा था बच्चे ही अच्छे थे। बचपन में उसको बहुत शौक होता है मुझे बड़ा होना है, हम बड़े हैं तो कोई बड़ा करे बहुत खुश। और या फिर यही मान सकते हैं कि मनुष्य कभी भी उसके पास जो है उससे खुश नहीं रह सकता। बच्चों को बड़ा होना है, बड़े को फिर बच्चा बनना है, तो उसके पास जो होगा उससे कभी खुश। जिसके पास काम है वो काम से दुखी बहुत काम है, जिसके पास नहीं है उससे दुखी काम नहीं है। तो जो होगा वो उससे दुखी रहता है।